बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मांग में सिंदूर लगाना औरतों के लिए कैसा है? इसी तरह माथे पे बिंदी लगाते हैं, छोटे छोटे चुमकी की तरह होते हैं, चमकते रहते हैं, या लाल लाल टीके की तरह होते हैं, इस तरह यहाँ माथे पे लगाते हैं, नाक के ऊपर वाले हिस्से पे, माथे पे, पेशानी पे औरतें लगाती हैं। तो ये कैसा है, जायज़ है या क्या मसला है? फतावा महमूदिया में जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 293 पे, 93 पे भी आप देख सकते हैं। जहां तक सिंदूर की बात है, मांग में जो सिंदूर भरती हैं औरतें, सिंदूर लगाती हैं, याद रखिएगा ये तो हराम है, बिल्कुल 1% भी इजाजत नहीं है, क्योंकि गैरों का ये मजहबी काम है और इस्लाम में इसकी कोई बुनियाद नहीं, इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं। न कभी इस तरह सहाबियात या कोई बुजुर्गान दीन हो या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हमारी माएँ हो, कभी भी इस तरह कोई तसव्वुर नहीं था। तो और ये जो तरीका है सिंदूर लगाना, ये खालिस और खालिस गैर मुस्लिमों का तरीका है, इसीलिए ये तो सरासर हराम। और दूसरी बात यह है, जो बिंदी लगाते हैं ये मकरूह तहरीमी के दर्जे में जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये भी गैरों का है, कुछ गैर मुस्लिम इसे मजहब से जोड़ देते हैं, कुछ गैर मुस्लिम इसे मजहब से तो जोड़ते नहीं हैं, लेकिन गैर मुस्लिमों का एक अलग तरीका चल रहा है, इसे आम तौर पे गैर मुस्लिम ही अपना रहे हैं, मुसलमानों में इसका रिवाज भी नहीं है और ऐसा नहीं भी करना चाहिए, इसीलिए इसे मकरूह तहरीमी के दर्जे में रखा जाना चाहिए। इसीलिए मुझे कोई पूछता है तो मैं सीधा नाजायज ही कहता हूँ, मकरूह तहरीमी का मतलब ही है नाजायज होना, इसीलिए बिंदी का लगाना भी नाजायज है, मत लगाएं। मुस्लिम औरतें, मुस्लिम खवातीन न लगाएं, क्योंकि जरूरत नहीं है खूबसूरती की। लोग कहते हैं खूबसूरती के लिए, भाई खूबसूरती के लिए वो काम अपनाएं ना जो जायज हो, जो शरीयत में जिसकी इजाजत दी गई हो, जो शरीयत में जायज नहीं है आप उससे कहेंगे हमें खूबसूरती लेना है, हम खूबसूरत करना चाहते हैं चेहरे को, हरगिज मत करिए भाई, हरगिज मत करिए। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। याद रखिएगा शरीयत पे अमल करें तो कामयाबी, कामरानी, दुनिया आखिरत दोनों में मिलेगी, और ये दुनिया चंद दिनों की है, यहां से जाना है आपको, रहना नहीं है। आपके खेस व अकारीब में देखिए, चलते रहते हैं लोग, जाते रहते हैं, बारी आपकी मेरी भी आने वाली है, इसीलिए असल उसकी फिक्र करें, आखिरत की। दुनिया कुछ नहीं है, फानी है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं। हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें, और हमारा काम पसंद आए तो गूगल पे, फ़ोनपे या बैंक अकाउंट के जरिया मदद कर सकते हैं।